बढ़िया थी। Hi everyone, welcome back to my channel. I know बहुत दिनों के बाद एक नई fresh video लेकर आई हूँ और ये video है एटीट्यूड का पार्ट टू। जो आपने मुझे बोला आपको पार्ट टू चाहिए, मुझे था कि यार आजकल आप लोग वीडियोस देख नहीं रहे हो, तो मुझे लगा बहुत लोग बोल रहे थे कि दीदी आप एटीट्यूड पे बनाओ, और उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया है। थैंक यू सो मच, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। और आज मैं लेकर आई हूँ एटीट्यूड टू, और ये वीडियो भी है 6 मिनट की वीडियो है, लेकिन बहुत अमेजिंग होगी। और फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ कीर्ति चंद, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लेट्स प्ले। महामारी का केस लगा कि कोविड में आपने इतनी भीड़ जुटाली। इनके ऊपर तो एक तो मैं लीगल एक्शन लूंगा, फॉर श्योर लीगल एक्शन लूंगा, कायदे से जचा के पैसा भर के। जो ऐसे होता है किसी पे डिफेमेशन केस डालते ना, पैसे का तो एक अमाउंट जमा करना पड़ता है, भगवान की तरह खूब अमाउंट है साड़ी जमा करके, तुम्हारा केस ना ठोक दिया ना डकता है यार, पैसा ना वसूल कर ले, मैं नाम बदल गाड़ी वालों के लोग हैं सर। अरे तो तेरे इतनी देर वेट थोड़ी करूंगा, निकल लिया मैं अपने काम को। हाँ तेरे तो भागेंगे हम, एक तो दिन आ गया हमारे, तुम जैसे पट पूंजे तो भागेंगे हम। जोगिंदर पूरी गैंग लेके आया था, हिल गया सिस्टम। और अगली बार सोच समझ के मिलना, याद रखना इस वाली बात को भाई। तुम्हारे एलविस का भटाई बट दिखते बच गया तो उसकी किस्मत बढ़िया थी। भाई मैं जिस भी कहीं जैसे शो वगैरह हो गया, कोई मीटअप तो क्या ही हो गया, कहीं बैठने चले गए, वहाँ पे क्या सीन होता है मेरे साथ खासकर कि मेरी पब्लिक बोलने नहीं देती मुझे। वालों ने पकड़ लिया बंदों को हमारे, गए देखो पुलिस ने पकड़ लिया भाई, अब सीन सॉर्ट करते हैं। ये कब हुआ? Thank you.
भाई साहब मैं मिनिस्टर से मिल रहा हूँ तो आपको लग रहा है मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ। देखो सही लग रहा था वो। कुछ कह रहे थे मजा आया मेरे को वीडियोस देखने में। और मैंने ना कुछ कुछ चीज़ें नोटिस करी एल्विश की जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो ये कि किसी किसी वीडियो में ना एल्विश की स्माइल बिल्कुल सलमान खान की तरह दिख बाय गॉड, जिसमें गाड़ी वाला नहीं जो पॉश के आगे खड़े हुए ऐसे करके, आप लोग देखना दोबारा वीडियो ना रिवाइंड करके, आपको ज़रूर लगेगा। दूसरा मैंने नोटिस किया कि पहले, क्योंकि अब मैं आजकल पहले की वीडियोज़ में भी बना रही हूँ उनके रिएक्शन, पहले में और अब में एल्विश में इतना फ़र्क आ गया है, मतलब सिर्फ दिखने का नहीं, एक वो होता है ना जो वो चाल में दिखता है इंसान की, यार इतना कॉन्फिडेंस आ गया उनके अंदर, उनकी आंखों में दिखता है, उनके हर चीज़ में, मतलब पूरी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि ही इज़ सो मच कॉन्फिडेंस कि आ जाओ भैया तुम लोग, अब ये वाला एटीट्यूड है उनके अंदर और बहुत अमेजिंग है, जो मुझे अच्छा लगता है। और क्या नोटिस किया मैंने, बहुत चीज़ें नोटिस करी थी पर बीच में, मैंने क्या है मैं वीडियो देख रही थी, मैं बीच में बोल नहीं रही थी। और उन्होंने पहले से काफ़ी अपनी हेल्थ का भी मुझे लग रहा है ध्यान दे रहे हैं, पहले जैसे थोड़े पतले पतले से थे लेकिन अब आई थिंक कुछ तो शायद जिम विम कर रहे हैं तो दिख रहा है वो चीज़ भी। और हाँ, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी अभी एल्विश की, वो ये है कि पहले थोड़ा सा ना फेस में ना गुस्सा टाइप का ज़्यादा था, मतलब दिखता था वो चीज़ कि हाँ, पता नहीं शायद आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस ना करी हो पर मुझे लगता था। और लेकिन अब उनके फेस को आप देखोगे ना बिल्कुल चिल्ड आउट और शांत वाला टाइप का ना बिहेवियर, इवन बोलने में भी, जो उनके रीसेंट जो पॉडकास्ट हुए हैं, जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, उसमें भी उनका इतना चिल बिहेवियर रहता है, मतलब ऐसा लगता है कि इस बंदे को तो गुस्सा आता ही नहीं होगा। आए ना आए वो चीज़ अलग है, लेकिन जब आप पब्लिकली होते हैं तो आप बहुत चीज़ें ना सीख जाते हैं टाइम के साथ साथ, और मुझे लग रहा है कि उन्होंने ये चीज़ बहुत अमेजिंग कर ली है। और फेस पे एक स्माइल भी रहता है ना तो अलग ही ग्लो आता है, फेस में उनके अलग ही ग्लो है, हालांकि वो बहुत टोनियन गाए जाते हैं अपना फेशियल वगैरह करवाने के लिए, और उस स्पेशली उसके बाद तो अलग ही चमक जाते हैं। लेकिन वैसे भी मैं बोल रही हूँ कि लाइक मैंने इस वीडियो में मैं वही नोटिस कर रही थी इतनी देर से, लाइक एडिटिंग तो अच्छी थी लेकिन मैं बहुत ऐसे ना बिल्कुल कैमरा, मेरी आंखें भी कैमरा बन गई तो मैं वही देख रही थी। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, लास्ट चीज़ है ये कि इनके ऊपर ना जो हेयर स्टाइल, बताऊँ कौन सा अच्छा लगता है, इसमें एक वीडियो है जिसमें कि आई थिंक मीटअप में गए हुए थे, तो उस मीटअप में अब पता नहीं वो उससे हो रहा था, हवा से हो रहा था कि किस वजह से हो रहा था, लेकिन इनके बाल पीछे थे पूरे,
कुछ मांगने निकली थी, कुछ नहीं था, और वो बहुत मतलब वो मुझे सबसे अच्छा लगा इनके ऊपर अभी तक। मैंने पता नहीं इतने टाइम के बाद कैसे नोटिस करा ये चीज़, लेकिन मैंने इस वीडियो में नोटिस किया। और अब आप लोग पीछे जाके देखना जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, फिर मेरे को कॉमेंट से बताना इफ़ यू अग्री विद मी और नॉट। और या आई रियली होप आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी हो, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। एंड अगर ये भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं इसका भी एक थर्ड पार्ट और निकाल दूंगी आप लोगों के बोलने पर। और लेकिन उसके लिए आप लोगों को वीडियो देखनी होगी, लाइक करना पड़ेगा, कॉमेंट्स करना, शेयर करना। एंड नए हो मेरे चैनल पर देन डू सब्सक्राइब इट। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।